हेलो पिलामाने आपण मानको मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाउछि। आज हम शिक्षण षष्ठ श्रेणी शिक्षण अभिवृद्धि कार्यक्रम कार्यफर्दा 8 टिको करबा। देखो अष्टम मध्ये हमर प्रसंगटे कोन आछ पूर्ण संख्या विषय हम आज पढिबा। देखो पूर्ण संख्या रे योग वियोग सहित संबंधित समस्या गुडी कर समाधान करबा। क स्तंभ रेथिबा परिस्थिति सहित ख स्तंभ रेथिबा विपरीत परिस्थिति को हम कोन करबा मेलक करबा। देखो तापमात्रा ह्रास तार अपोजिट कोन हबो विपरीत तापमात्रा वृद्धि। ता पूर्व को जीवा पश्चिम को जीवा व्यय करबा आय करबा जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या ह्रास लाभ लाभर कौन हमर क्षति होपरी भाव में विपरीत बुझा शब्द गुड़ी आम लिखा। ताप देख दुई नंबर निम्नस्थ उक्ति गुड़िक पाखे प्लस आउ माइनस। देख 750 टाँचा क्षति क्षति हेल्ला यहाँ कौन आम लस है मैंने आम यहाँ कौन दे माइनस देवा। तापर बाम को जीवा मानते कौन पक्ष को जीवा से कौन ये लिखीदे माइनस 750 लिखीदे हम ना पाखे व्यवहार करवा 750 टाँचा बाम को जीवा मानने ये माइनस 6 हे। ताप पांच विकेट जितवा जितवा मानने तो ये प्लस हो प्लस 5 होपर डाक घरे 500 टाँचा जमा रखा जमा रखा मैंने रही कि आम पाखे तो कौन हो प्लस 5 हो दुईट पहाज तल को ओल्लवा है कौन तल को ओल्लवा मानने कौन तो कौन होमर माइनस दुईट पहाज बोले माइनस 2 हो। तापर तीन नंबर देखा। देखो तीन नंबर देखिए कोठरी मध्य सान बड़ और सामान चिन्ह मानक उपयुक्त चिन्ह लगे आम बस तीन और आठ अच्छी तीन और आठ भितर कौन हम यहाँ कौ चिन्ह लगे सान चिन्ह लगे है शून माइनस 6 तो किए हम यहाँ शून बड़ होना माइनस 7 माइनस 8 किए बड़ माइनस 7 बड़ तेणु कौन बड़ चिन्ह लगे शून और माइनस शून शून और माइनस शून तो सेमती किसी नहीं कौन हो सामान होगा। तापर पांच माइनस 5 किए बड़ आम पांचटा बड़ हो तापर देख चार नंबर भूल उक्ति पाखरे भूल चिन्ह और ठीक उक्ति पाखरे ठीक चिन्ह दियो। देख ये देख क नंबर माइनस 8 लेस देन 0 लेस देन 17 तो ये आम गोटे क्रम अच्छे कि नहीं यहाँ माइनस 8 सान शून तापर 17 तो यहाँ कौन हो ठीक अच्छे शून धनात्मक ऋणात्मक नुह से धनात्मक नहीं कि ऋणात्मक नहीं कौन हो ठीक अच्छे माइनस 888 अपेक्षा माइनस 887 कौन सान सान बोल देती अपेक्षा ये सान कि यहाँ तो जेहतु माइनस अच्छे बोले यहाँ बड़ा कथा ना तो यहाँ कौन होमर क्रस होगा। देख माइनस 45 अपेक्षा माइनस 45 अपेक्षा 45 बड़ 45टा बड़ हो कि नहीं यहाँ अपेक्षा 45 बड़ तो यहाँ ठीक हम तापर 8 अपेक्षा माइनस 9 बड़ कि ना माइनसटा के बड़ हम कि देखा 5 नंबर तो देख आम ये कौन करवा संख्यारेखा प्रथम अंकन करदे ये कौन करवा शून नहीं ये तो प्लस 1 प्लस 2 रही कि नहीं ये तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 माइनस 7 माइनस 8 माइनस 9 से कहे माइनस 1 टू माइनस 9 जाए तो ये कतरा स्टेप देख कौन कर 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये भितर दूरत व्यवधान के आम दूरता के 8 सूचक केते 8 सूचक है। देख 2 नंबर माइनस 3 और 6 सूचक बिंदु दुए मध्य दूरता केमती संख्यारेखा आम दर्शेगा। तो देख ये आम ये कौन कले आम 6 जाए सूचे पर माइनस 3 जाए सूचे तो सी कहते माइनस 3 और 6 सूचक बिंदु मध्य दूरता के देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये दूरता के आमर दूरता के 9 सूचक है। देख थाए 6 नंबर संख्यारेखा टी अंकन कर से पूर्ण संख्या को चिन्हित कर निम्नलिखित प्रश्न मानक उत्तर देगा माइनस 3 बिंदु पाखर 5 एकक डाण को गले क्यों संख्या पाइबा माइनस 3 रु 5 को जीवा। तो देख आम ये कौन करवा गोटे संख्यारेखा अंकन करके लिखा संख्यारेखा आम देखिए करवा 1 नंबर देख माइनस 3 बिंदु पाखर 5 एकक डाण को गले क्यों संख्या पाइबा माइनस 3 रु आग को जीवा 5 एकक डाण 1 देख ये कौन हो 1 2 3 4 5 आग को गले कौन होमर प्लस 1 प्लस 2 रे पहुँचवा ना क्यों संख्या पाइबा प्लस 2 पाइबा सेमती प्लस 4 सूचक बिंदु पाखर 7 एकक डाण को जीवा 4 रु आम 7 एकक डाण जावा यह सब प्लस अच्छा कि नहीं तो 1 2 3 4 5 6 7 को एकक पाखे पहुँचवा प्लस 11 एकक पाखे आम पहुँचवा है। 3 बिंदु देख माइनस 2 सूचक बिंदु पाखर 4 एकक डाण को जावा माइनस 2 रु माइनस 2 ये अच्छी 4 एकक बाम को जावा माइनस 2 रु 4 एकक बाम गले के 1 2 3 4 ये पहुँचवा कि नहीं तो कतरे पहुँचले माइनस 6 रे पहुँचले है। देख कौ नंबर प्लस 3 सूचक बिंदु पाखर 3 एकक बाम को जावा प्लस 3 रु 3 एकक बाम 1
2 3 का पाखरे पहुंचबा जीरो पाखरे हला तापर देखो संख्या रेखा सहाय्य रे सात नंबर देखो संख्या रेखा सहाय्य रे योग करो तो देखो से कोन कोई छी संख्या रेखा सहाय्य रे योग करो प्लस 4 प्लस माइनस 2 एटार अर्थ होचे कोन प्लस 4 सूचक अछि तापर प्लस माइनस 2 बोली दै छी त कोन करबा देखो तो देखो ये कौन अच्छे प्लस फोर माइनस टू मैंने पक्ष को जी ये प्लस टू थी आगे देखा ये प्लस फोर अच्छे प्लस फोर रइनस टू अच्छे ना तो पक्ष को जी एक दुई दुईटा स्टेप पक्ष को जाने के पहुँचे प्लस टू तो कौन होमर उत्तर के उत्तर लिखा आम प्लस टू बुझेगा तापर देख दुई नंबर प्लस फाइव माइनस जीरो प्लस फाइव अच्छे ये आगे आम स्टेप आगे कि पक्ष को जबानी तो कौन हो माइनस जीरो कही मैंने ये कौन हम प्लस फाइव आका उत्तर के कैसे प्लस फाइव कहीं प्लस फाइव रे जीरो तो आम आगे जी पक्ष जी देख तीन नंबर माइनस टू रु माइनस सिक्स जी माइनस टू अच्छे माइनस टू रे पक्ष को जी से कही माइनस सिक्स कही तो कैसे करा देख माइनस टू रु पक्ष को जी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स कौ पाखे पहुँचल आम माइनस एट पाखे पहुँचे तेणु आर उत्तर के माइनस एट है एट देख माइनस एट रू प्लस फाइव माइनस एट प्लस फाइव मैंने आगे जा वन टू थ्री फोर फाइव तो कत पहुँचे आम माइनस थ्री पहुँचे तो आम उत्तर के उत्तर हम माइनस थ्री थ्री पाखे पहुँचे ना सेमती संख्यारेखा साये वियोग कर देख आठ नंबर दे संख्यारेखा सायोग वियोग मैंने कौन देख ये कौन अच्छे माइनस फोर अच्छे माइनस फोर जब आम माइनस फोर को वियोग करते हम जीरो रोक कि नहीं तो आम उत्तर के जीरो माइनस फोर रू माइनस फोर को आम जब माइनस करवा जीरो हम तापर प्लस एट को प्लस टू रे माइनस करवा प्लस एटा थी पुणे प्लस टूटा गला के रोर आउ रमर के उत्तर के देख प्लस एट अच्छे ना प्लस एट रू आम दुईटा जब स्टेप को माइनस करदे एक और दुई आते रमर दुईटा माइनस कले आम के सिक्सटा तेना प्लस एट रू प्लस एट रू प्लस टू गले प्लस सिक्स रहा तापर देख प्लस टू रु माइनस सेवेन प्लस टू थी कि नहीं देख ये प्लस टू थी माइनस सेवेन पुणी माइनस सेवेन है तो माइनस सेवेन को गले कैसे डिस्टेंस रही है तो ये आम देख मन रखीदे ये प्लस टू ये माइनस माइनस कौन हो प्लस प्लस सेवेन हो प्लस टू प्लस सेवेन के प्लस नाइन हो बुझेगा ना ये सेमती प्लस थ्री माइनस माइनस प्लस एट तो प्लस थ्री एटा प्लस थ्री माइनस प्लस के माइनस प्लस कौन हम माइनस माइनस एट हम तो प्लस थ्री माइनस एट कौन अच्छी देख ये आम माइनस एट अच्छे नहीं माइनस एट प्लस थ्री बोले कौन तार आगे तीन टा स्टेप जा तो कैसे पाखे पहुँचा आम माइनस फाइव पाखे पहुँचा तो यहाँ हो माइनस फाइव यहाँ जमी प्लस टू अच्छी प्लस टू रे सतटा स्टेप आगे जा प्लस टू रे सतटा स्टेप गले कैसे देख वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन कैसे पाखे पहुँचे ना तो प्लस नाइन हो देख नाइन नंबर शून्य स्थान पूरण कर पूर्ण संख्यार जगात्मक अभेद टीए जगात्मक अभेद कहीं आम एमती कौन से संख्या लिखा जहाँ जोग कले से संख्या एक रोक मन पांच सहित पांच सहित आम जो शून्य जो करें उत्तर के पाँच आगे तो आम ये कौन लिखा जगात्मक अभेद के शून्य तो लेख टू नंबर देखिए परमाणर अर्थ कौन ना परिमाण सूचक मान परिमाण सूचक मान तापर देख थ्री नंबर माइनस थ्री जोगात्मक विलोम के प्लस थ्री हम सेमती माइनस थ्री परमाण कौन हो प्लस थ्री देख फोर बिट कौन से पूर्ण संख्या और तहार जोगात्मक विलोम समस्या के पूर्ण संख्या प्लस थ्री होती है तार जोगात्मक विलोम के माइनस थ्री प्लस थ्री माइनस थ्री कौन हो जीरो है जीरो परमाण कौन जीरो जीरो परमाण कौन होमर जीरो देख आम एवं दस नंबर पढ़ा पूर्ण संख्या क्षेत्र में जोग प्रक्रिया सहयोगी नियम पालन करी जदि हाँ तेज गोटे उदाहरण मध्यम दर्शाओ देख सहयोगी मैंने कौन सहयोगी नियम तुम जाचो ना आम मनकर ने प्लस बी प्लस सी या सहित ए प्लस बी प्लस सी मान ए दीटा को प्लस करवा प्लस आ सहित जो प्लस कला जहाँ आसब ए पार्ट ए पार्ट ए दुटा जाक सामान हम तो आम जानता जो कौन सहयोगी नियम पालन करुच्छे देख ये क नंबर देखिए मैंने उदाहरण देखिए ना तो प्लस टू प्लस माइनस थ्री प्लस प्लस सिक्स ने प्रथम कौन करवा आम एटा कर ए प्लस बी रकेबा ए प्लस बी मैंने प्रथम ए दुटा को सल्व करवा जहाँ आसो आम प्लस सिक्स सहित प्लस सल्व करवा बाम पार्श्व ने माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस प्लस सिक्स तो प्लस टू माइनस थ्री कौन हो माइनस वन यहाँ के प्लस सिक्स तो माइनस वन प्लस सिक्स के प्लस फाइव
ହେଲା। ସେମିତି ଦେଖ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କ'ଣ ନେବା, ଏଇଟା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି କେତେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାପରେ ବିଟା କେତେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ସିଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ, ତ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ କଲେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଇଯିବ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସହିତ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ। ଦେଖ ଏଇଠି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଆସିଲା, ଏଇଟା ବି ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଆସିଲା, ତ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କି ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, ସହଯୋଗୀ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି। ହେଲା ନା, ବୁଝିଗଲା ନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସହଯୋଗୀ ନିୟମର ଫର୍ମୁଲା, ମାନେ ଆମେ ଏଇଟା ଏ ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ ଆମେ କହିବା ଯେ ତାକୁ ସହଯୋଗୀ ନିୟମ। ତାପରେ ଦେଖ ଏଗାର ନମ୍ବର, ଦେଖ ଏଗାର ନମ୍ବର ହେଇଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ଏକ ଉଦାହରଣ ନେଇ ଆମେ ବୁଝିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ ମାନେ କ'ଣ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ପ୍ଲସ୍ ଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରମ, ମାନେ କ୍ରମ ମାନେ ଇଏ ଏଇଠିକି ଯିବ, ଇଏ ଆର୍ ପ୍ଲସ୍ଟା ଏଇଠିକି ଯିବ। ହେଲା, ଏଇଠି ଦେଖ ଆମେ ଦୁଇଟା ଉଦାହରଣ ନେବା, ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବା କ୍ରମ ବିନିମୟ, ଏଇଟା ପୁଣି ଆଗକୁ ଯିବ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ତ ଏଇଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ନେଇଯିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ନେଇଯିବା। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କ'ଣ ହେବ, ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ଲସ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ 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 ଟୁ, ଫାଇଭ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଆସିଲା। ସେହିପରି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ କଲେ କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍, ଦୁଇଟା ଯାକ ସେମ୍ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ସମାନ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର ଯୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁ ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛି, କ୍ରମ ବିନିମୟ ନିୟମ ପାଳନ କରେ। ହେଲା, ତାପରେ ଆମେ ବାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଖିବା, ଦେଖିବା ଆମେ ବାର ନମ୍ବର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଗ କରିବା। ଦେଖ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍, ତ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟ୍, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍କୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍କୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ କ'ଣ ହେବ କଟାକଟି ହେଇଗଲେ ଆମର ଜିରୋ ରହିବ, ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ଜିରୋ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କଲେ କେତେ ଆମର ଜିରୋ। ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ତ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସକୁ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ରହିବ, ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ହେଲା, ତାପରେ ଲେଖିଥା ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଲେଖିବା, ମାନେ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯୋଗ କରିବା, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିଲା, ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ କ'ଣ ହେଇଯିବ କଟାକଟି ହେଇଗଲେ ଆମର ଜିରୋ ରହିବ, ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ, ତ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ କେତେ ଆମର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ବୁଝିହେଲା ନା। ଦେଖ ତେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ପୁଣି ବିୟୋଗ କରିବା। ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ୍ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍କୁ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ରଖିଦେବା, ମାଇନସ୍ଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ନେଇଯିବା, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ରଖିବା, ଏ ପ୍ଲସ୍ଟାକୁ ଏଇଠି ଆଣିବା, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ଟାକୁ ଆମେ କାହିଁକିନା ଆମେ ସେ କହିଛି ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ବିୟୋଗ କର, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ରଖିଦେବା, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ଇଏ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ହେଲା ନା। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍, ମାଇନସ୍ ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଅଛି, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, ତ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଯିବ ପୁଣି ଇଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସଟାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କରାଗଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମର ମାଇନସ୍ ଟୁ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଆକାରରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ, ତ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଇଯିବ ଜିରୋ, ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍କୁ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ଜିରୋ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍ ମାନେ କେତେ ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍, ହେଲା। ଏଇଟା ହେଇଛି ମାଇନସ୍ ନାଇନ୍, ଏଇଟା ଆସିଛି ଆମର ପ୍ଲସ୍ ଫୋର୍। ଆମର କ'ଣ ନା କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ ଆଠଟିକୁ, ଆଠରେ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝିଗଲେ। ତ ଏହିପରି ଯଦି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।